नमस्कार, मैं हूं मीरा। आज मैं बात करूंगी श्राद्ध करने की आवश्यकता, महत्व और लाभ की, कि आखिर श्राद्ध क्यों करने चाहिए, श्राद्ध कर्म करने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, क्यों जरूरी है श्राद्ध करना, और अगर श्राद्ध नहीं किया जाता है तो क्या नुकसान होता है, परिवार में क्या परेशानी आती है। पितृ ऋण चुकाने के लिए और पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए श्राद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जिस कुल में, जिस परिवार में श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, वहां पर रोग, शोक, चिंता, भय, असफलता, धन की तंगी, कर्जा और अकाल मृत्यु जैसी समस्याएं आ जाती हैं। ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, जिस परिवार में श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसे आयु, पुत्र, यश, शौर्य, वैभव, सुख संपत्ति, धन धान्य एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म पुराण के अनुसार पितृतर्पण करने से हमें इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार पितृतर्पण करने से केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते, अपितु देव जैसे ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, वायु एवं भूत प्रेत भी तृप्त हो जाते हैं। अर्थात श्राद्ध करने से केवल पितृ और देव ही तृप्त नहीं होते, अपितु श्राद्धकर्ताओं को, जो श्राद्ध कर रहा है, उसको भी फायदा होता है, उसको भी लाभ होता है, उसको पितरों और देवों की आशीषें मिलती हैं। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आप कहेंगे सब कुछ तो ठीक है, मुझे श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे समय पलटते देर नहीं लगती। जब समय बुरा आएगा तो यही आपके द्वारा किए गए दान, पूजा पाठ या फिर शास्त्र कथित उपाय या श्राद्ध कर्म आपके काम आएंगे, जो आती कठिनाइयों को कम कर देंगे तब। इसलिए अगर आपका भी समय खराब चल रहा है या सही चल रहा है, हर वर्ष श्राद्ध कर्म अवश्य करें आप, ताकि पितरों और देवों की आशीषें आप पर बनी रहे। तो ये मैंने आपको बताया कि श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और क्या लाभ है। अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस वर्ष श्राद्ध करने का समय क्या है, कब करना चाहिए आपको श्राद्ध, और उसका घर बैठे हुए सरल और आसान तरीका क्या है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।